Boys, welcome back to another vlog of this project BMW E36. आज के vlog का जो scene है, गाड़ी में थोड़ा सा late vlog start करती थी. गाड़ी में ले हम exhaust पे के पास. इसका basically exhaust जो था, वो open gate पे थी. तो आज मैं exhaust लगवा रहा हूँ इसका. अभी हम exhaust पे के पास ही हैं. इंटीरियर को अपने माइंड करना भी गंदा बहुत हुआ भाई. अभी कोई साफ सफाई नहीं की जब से कराची से आई है. और ऐसी ही गाड़ी पड़ी हुई चीज़ें वगैरह, इंडिकेटर ऑयल वगैरह हर चीज़ खुली हुई है अभी ना इसकी. तो इसका जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ. आपको एग्जॉस्ट भी इसका चेक कराते हैं. अंकल जी, इसका ना अपने एग्जॉस्ट ना ड्राइव शाफ्ट के साथ नहीं वो लगाना, मतलब ना उसके साथ टच ना हो शाफ्ट के साथ, ठीक है? और क्रम से मतलब हिले भी ना एग्जॉस्ट जैसे. और आपको इंटीरियर का थोड़े से शशके बता देता हूँ. अभी इसका काम शाम बहुत होने वाला है, लेकिन आपको थोड़े से मैं उसका बताता हूँ. ये आप देख रहे हैं, ये जो एक लीवर बना हुआ है, इससे क्या होता है बेसिकली, इसकी जो मीटर की लाइट्स होती है ना, इससे ज़्यादा और कम होती है. मतलब मीटर ब्लिंक, मतलब उसकी लाइट ज़्यादा होंगी और लाइट्स कम भी हो जाएंगी उससे. एक तो इसका ये हो गया. दूसरा ये लीवर जो है, अभी इसके लीवर की सेटिंग मैंने करवानी है. ये लीवर बेसिकली किस लिए है, इसकी जो हेडलाइट्स है ना, हेडलाइट्स ऊपर और नीचे करने के लिए. वो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, मुझे याद नहीं. जो MG वगैरह में अब फंक्शन आ रहा है वो इसमें, उस वक्त 92 मॉडल में 30 साल पुरानी गाड़ी में दिया हुआ था. इसके अलावा क्लॉक जो कि चल रही है बिल्कुल ठीक, और शीशे सारे के सारे वर्किंग है इसके. अभी इसकी सेटिंग वगैरह होने वाली है, लेकिन शीशे इसके सारे की वर्किंग है. इसके अलावा यहाँ एक बटन दिया हुआ है, ये यहाँ कोई एडिशनल चीज़ लगा सकते हैं. ये इसके लाइट्स यहाँ से होती हैं, और ये हाई बीम लो बीम इस तरह करके सीन दिया हुआ. और इधर से बल्कि इसका ये फॉग लैम्प का होता है मेरे ख्याल से, हाई बीम वहाँ यहाँ से होती है इसकी. और इसके अलावा इसकी ये भी चल रहा है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया हुआ है. उस वक्त का क्लाइमेट कंट्रोल 30 साल पुरानी गाड़ी में भी आया हुआ है. ये टेप भी चल रही है इसका. ये डैशबोर्ड भी, इसके अंदर ECU वगैरह पड़ा पुराने इंजन का, ये भी है साथ. इसकी एक एक चीज़ चल रही है इसकी, ये भी ऊपर डिग्गी मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है. तो ये सारी हम फिटिंग करवाएंगे. इसके इवन स्पीकर्स इसके अंदर लगे होते हैं, तो स्पीकर भी इसके चल रहे हैं. मतलब गाड़ी की ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन वर्किंग कंडीशन, लेकिन थोड़ा बहुत गाड़ी में काम रहता है वो हम करवा लेंगे इस चीज़ का. अभी तकरीबन 3 दिन हुए, हम तीसरा दिन भी काम भी करवा रहे हैं इसका. तो अभी काम शाम भी करवाते हैं अभी इसके. तो फिर इसकी जब सेट होगी फिर आपको इंशाल्लाह एक साथ ही नजर आएगी. ये आगे से सेट होएगा, ये ठीक है, आगे सेट होके पीछे पाइप लगेगा. ये गाटे का पाइप है, मतलब गाटे का पाइप. ठीक है ठीक है ठीक है. तो बॉयज ये आगे का पाइप है. अभी पीछे जो बीच वाला पाइप लगना है वो स्टेनलेस स्टील का होगा, और एंड पे ये पाइप किस तरह की बेंड देके वो बनाएंगे, ताकि एग्जॉस्ट के इसका राइट साइड पे, तो राइट साइड पे वो निकलेगा. बेसिकली वो ढोलकी जो पड़ी हुई है वो लेके जानी थी, क्योंकि बीच और रेजोनेटर जो उसका है ना, वो मैंने जो भी एग्जॉस्ट लिया था उसका फारिग है, तो आवाज़ मैंने कम करनी, तो इसलिए वो वाली ढोलकी लेके जाता हूँ. ये जी बॉयज, अभी सिर्फ गाड़ी में ना एक ढोलकी लगाई है, तो उसकी ज़रा साउंड का फ़र्क चेक करते हैं. स्मूथ हो गई आवाज़ तो, शुक्र है कम हो गई है. ठीक है ठीक है. पूरा काम हो गया, आवाज बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है. अब जी साथ हमारे ये भी आ गया. अब इसी गाड़ी का थोड़ा सा ऑटो सेंसर चलवाने, इसका भी थोड़ा सा काम है. अभी वहाँ जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के पास, मैंने ऑयल चेंज करवाने, मैं भी ऑयल चेंज करवा के आता हूँ अभी जाके. तो फिर साथ से दिखाते हैं आप. थी इसका शौक गए भूख तो अब दोबारा उठवा के ज़रा सही करते हैं. वो ज़रा साइड पे चला गया, उसकी माउंटिंग टूटी हुई शौक की. Seem like every cat ain't gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. हमने एयर इनटेक इधर फिट किया एक, और इंजन बड़ा गंदा हुआ इसका, इसका भी साफ करते हैं. कूलेंट अभी हमने डाला है इसके अंदर, कूलेंट का थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा है, तो बार बार हम डाल ही जा रहे हैं. अब इसकी मारते हैं सारे टाके टुकी. You gotta be who you really be, shine from the inside.
तो जी बॉयज, इट्स अनदर डे, एक और दिन वर्कशॉप में। आज का सिस्टम ये है कि रेड लाइन वर्कशॉप आए हैं, आगे वो अपनी लियाना खड़ी हुई है, इधर E36 का काम हो रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है आज, इसका ना इसकी मल्टीपल जगह से लीकेजेस थी, इसका इंजन ऑयल काफ़ी जगह से लीक हो रहा है और एक स्टीयरिंग ऑयल लीक हो रहा है इसका ना। स्टीयरिंग ऑयल लीक कहाँ से हो रहा है, वो कंगी का बूट फटा हुआ है वो लीक हो रहा है। और पहले तो उसका है इंजन की जो लीकेज है, इंजन की लीकेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तब लीक करता रहता है ड्रॉप ड्रॉप, और वो जिसकी वजह से इंजन को नुकसान ही पहुँच सकता है। तो उसकी टाइमिंग सीले दलने वाली हैं, अभी वो लेने गए हैं, जैसी आती हैं वो फिट होती हैं, फिर उसके बाद ये गाड़ी हम चला सकेंगे, क्योंकि मैं खुद ही परहेज़ करूँ गाड़ी को चलाने से, क्योंकि इंजन वगैरह कोई वो ना हो जाए। और अभी इसका जो रेडिएटर है, रेडिएटर के साथ बोतल नहीं होती, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि इसके साथ बोतल, तो अभी इस पर लगाएंगे हम मिरान की बोतल, क्योंकि अब हमें सिर्फ स्पेयर बोतल चाहिए, तो मिरान की बोतल लगा के हम इसको बंद कर देंगे ताकि पैक हो जाए पूरा। तो जी बॉयज, इट्स अगेन अनदर डे। आज के दिन का सीन कुछ यूँ है कि हमने, जब आपको पता होगा गाड़ी लास्ट व्लॉग में शायद मैंने दिखाया, गाड़ी हमने दी थी अपना सीलों के लिए, इसकी सीलें दलने वाली थी, तो सीलें वो रात को ले आए थे। पिक्चर आप चेक कर रहे होंगे, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू सीलें आई थी इसकी, पुरानी सीलों की पिक्चर आप चेक कर रहे होंगे। क्या अब हम जा रहे हैं, ये इस गाड़ी का आज आखिरी दिन है ईजी का हमारी, ये गाड़ी बिक चुकी है, सोल्ड एंड इट्स इट विल बी गॉन टू न्यू ओनर आज। तो ये इसको हम देते हैं, और इसके दो तीन तरह काम छोटे मोटे रहते हैं वो हम करवा के गाड़ी सेट करके फिर हम गाड़ी ये इनको उनके हैंडओवर कर देंगे और दूसरी गाड़ी का फिर काम रेगुलरली शुरू हो जाएगा। तो अभी जी चलते हैं वर्कशॉप पे, इसको स्टार्ट करते हैं। कोल्ड स्टार्ट हो रही गाड़ी, पहले आपको इग्निशन पे रखना पड़ता है इसको थोड़ी देर, ताकि फुल पंप का फ्यूल आ जाए आगे। अब चलते हैं वर्कशॉप, पेंटिंग का काम भी शुरू हो गया गाड़ी का। आपको गाड़ी की बात पता चले तो गाड़ी टोटल जेन्युइन पेंट में, पूरे जेन्युइन हुआ है। यहाँ से अभी डेंटिंग की है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप सारा जेन्युइन पेंट है पीछे तक में, तो सिर्फ आगे से डेंटिंग करेंगे। यहाँ दो तीन डेंट पड़े हुए थे, अब इसके ऊपर पूरा ओरिजिनल पेंट जो पेंट कोड होता है उसके लिहाज से पेंट तैयार कर देंगे इस पर। इसका ऊपर ड्राई डेंटिंग कर दी, अब इसके ऊपर ब्लेड लगेगा, ब्लेड लग के जो पेंट होगा पुराना वो उड़ जाएगा, उसके ऊपर जाके फिर नया पेंट होगा। अच्छा जी बॉयज, तो आज का सीन ये है कि गाड़ी हमने दे दी है पेंट के लिए, ठीक है, गाड़ी हो रही है लॉगिंग टाइम, अपना रिपोर्टिंग छुट्टी हल्के भी लग गई है, रात तक या कल तक इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं एमेंट गोमरी, यहाँ से एक अपनी BMW की किट भी पूछनी थी, और इसका बॉस्केट से स्टीयरिंग चेंज हो जाएगा इसका आज, यहाँ लगेगा टकाटा, और दो तीन सिस्टम देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो भी उठा लेंगे। ब्लॉग पे ब्लॉग बन रहा है, हमारी लग गई है स्टीयरिंग में किट, ये है बॉस्केट, पुरानी वाली ये पड़ी है, नई वाली ये है, स्टीयरिंग हमारा वो है, पुराना वो है, और ये जापान से सारा कुछ आया हुआ, तो आप अंदर से चेक कर सकते हैं सिस्टम ओके है। अच्छा जी, तो बॉयज़ इट्स अनदर डे, और अब सीन ये कि कल तुमने ट्रैक श्रैक मारा, बहुत मज़ेदार सीन हुआ, आपको दो तीन वीडियोस अटैच कर देंगे। नाइस। ये देख कितना प्यारा थ्रॉटल पे मार, थोड़ी बहुत आपको आ जाइए कि किस तरह का हमारा था, मैंने इस पर डोनट्स वगैरह किए हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया इस गाड़ी का, वो सैयब ने भी गाड़ी घुमाई है, बहुत मज़ा आया उसको भी। तो अभी जो है इधर बेसिकली मैंने वर्कशॉप से निकाली थी, क्योंकि वो सैटरडे नाइट थी, तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी जो लाइन आ रही है, ये है टोटल जेन्युइन की निशानी, मतलब कि जेन्युइन है गाड़ी यहाँ से ना, और ये लाइन ये देख, ये सिल्वर लाइन आ रही है, ये एंड तक जा रही है, क्योंकि ये 32 साल पुराना पेंट हुआ है। तो फिर मैंने इसी वजह से, क्योंकि यहाँ एक दो डेंट थे, वो डेंट निकलवा के पहले से हल्की सी बिल्कुल ब्लेड से इसको लोहा निकाला है, फिर उसके बाद हल्की सी पुटीन लगा के इसके ऊपर अब ये अस्तर मार दिया, अब इसके ऊपर कल पेंट हो जाएगा इस पर, और हमारा बोनट भी रहता है, बोनट जेन्युइन पेंट में, लेकिन हम इसको पेंट करा देंगे, देखें ना, ये सारे जेन्युइन पेंट में, लेकिन हम इसको पेंट करा देंगे, क्योंकि बोनट की बड़ी ज़रूरत है पेंट होने की, और बम्पर भी जो है हमारा वो भी अगला पेंट होगा। और लाइट्स का जो है वो ये सीन है कि लाइट्स इसकी या तो हम नहीं ले लेंगे या रिपेयर करवा लेंगे, और अंदर ये साफ़ भी होने वाली है, देखिए मिट्टी लगी हुई अंदर,
और इसके अंदर एंजल आइज होली वो लगवा लेंगे, और इसके अलावा ग्रिले भी इसकी ढूंढ रहे हैं, तो ग्रिल भी मिलती है तो ग्रिल भी लगवाते हैं। बाकी इंजन तो ओके, ऑल ओके इंजन, इंजन इंजन में किसी किस्म का काम नहीं होने वाला। अभी जो काम हुआ था वो लीकेज का था, इसकी बेल्ट इसकी सील डली थी, और दो तीन टाइमिंग बेल्ट वगैरह की सील डली थी, और इसके हमने ये बोतल भी लगवा लिया। बोतल का बेसिकली काम क्या होता है, जब इसमें पानी कम हो रहा हो वो इससे पानी लेती रहती है बोतल ना, तो ये बोतल भी हमने लगवा ली थी कि जस्ट इन केस यू गो टू जे, और इसका रेडिएटर बिल्कुल पतला वाला लगा हुआ सिंगल नाली वाला, तो इसलिए हमने वो लगवा ली थी। और ये साइड भी हमने इस तरह ही करवाई, और आप इसकी कटाई देखें कैसी बनी है, ये जैसे जेनुइन बिल्कुल बनता है ना फेंडर वैसा बना हुआ इसकी फेंडर की, बनाई फेंडर की हालत बहुत ख़राब थी। और इधर इसके पीस लगा लोहे का, ये लोहे का पीस लगा के फिर हमने उसके ऊपर किया, अब इसके ऊपर सारा स्प्रे होगा। अच्छा बाकी अंदर से बॉयज ये सीन है कि अंदर से भी गाड़ी की कंडीशन जो है ना थोड़ी सी हल्की है, लेकिन अब इसका होगा कल काम इसका ना। इसका काम क्या होना है, इसका अब ये देख रहे हैं गियर नॉब, अब डायरेक्ट आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी नीचे से ना, इधर हम लगवा देंगे सारा कपड़ा, ये हो जाएगा सारा कवर, ये पूरी गियर नॉब वाली जगह सारी कवर हो जाएगी। अब ये जो है ना, ये बॉयस किस चीज़ का है, ये आप देखें मीटर की जो लाइट्स होती है ना उनको हाई डिम करने के लिए। अब ये वाला जो है ये एक और अंदर है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसका क्या होता है, ये बीम एडजस्टमेंट है। तो बस यहाँ क्या होगा, इधर हम मैट ब्लैक स्प्रे करवा देंगे सारा, ये पूरा डोर कार्ड मैट ब्लैक स्प्रे में होगा, वो डोर कार्ड भी मैट ब्लैक स्प्रे में हो जाएगा, ताकि बिल्कुल अच्छी क्लीन फिनिश आ जाए। अभी भी देखें आप इंटीरियर साफ़ सुथरा है, यहाँ बस थोड़ा सा गैप आया, ये भी हम कल सेट करवा देंगे, ये गैप आया है, ये भी इंशाल्लाह कोशिश करके ये भी सेट करा देंगे। लेकिन बेसिकली ये थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड है, तो इसका पता नहीं एग्जैक्ट सेट होता है या नहीं होता। बाकी इसके अलावा जो ये अपना ये देख रहे हैं आप सारा, ये थोड़ा नीचे आया हुआ है, इसके अंदर वायरिंग है, और ये ब्रेक और ब्रेक क्लच करने को ब्रेक पुश करते हुए बड़ा फिर अड़ता है पाऊँ ना, तो हम इसको भी ऊपर करके यहाँ से ये नटों से लग जाएगा इधर ना साइड से, इसकी भी ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और इसके अलावा हम यहाँ सारा वो करवा देंगे, और यहाँ होगा रेड जैसे पीछे हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं क्योंकि रेड इंटीरियर पहले से हुआ हुआ, तो हम भी इसको पहले से वो ही चीज़ रखेंगे। यहाँ हम कर देंगे रेड, इसके ये हैंडल बनवा लेंगे, और इसका ये चीज़। अब बस मसला इसका आता है, या तो अगर इस गाड़ी का मिल जाता हमें ये चैनल, इसको कहते हैं गोला या चैनल कहते हैं, मिल जाते तो हम लगा देते हैं दूसरी गाड़ी का, वरना फिर इसका क्योंकि मुश्किल ही मिले, या फिर इसका कोई और हल ढूंढेंगे। और अभी डोर गाड़ी की कंडीशन जो है वो बहुत रफ़ हुई हुई है, तो बस अब फिर व्लॉग एग्जैक्टली मुझे पता कितना क्या बन रहा है, लेकिन फिर इंशाल्लाह कल ही मुलाकात होती है। अब कुछ यूँ है कि गाड़ी का हमारा पेंट अप स्टार्ट हो गया, पेंट वर्क, तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो हम नेक्स्ट व्लॉग अब शुरू करते हैं। और एक गिफ्ट इवेंट आ रहा है जिसके लिए हमें गाड़ी सारी तैयार कर रहे हैं, अभी JZX भी आने लगी थोड़ी देर तक, 15 मिनट तक आ जाएगी। तो डेट वॉज ऑल फॉर द व्लॉग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मेंशन, और गुड बाय फॉर